क्लास 9 फ्रॉम JNV पिथौरागढ़। टुडे ऑन 18/7/2020 वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। येस्टरडे वी हैड डिस्कस्ड अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन द बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस फ्रॉम द चैप्टर। वी विल गो थ्रू देम वंस अगेन वन बाय वन एज द एक्सरसाइज प्रोग्रेसेस। तो देखिए, सबसे पहले थ्योरम 6.1 देखते हैं। थ्योरम 6.1 देखने से पहले हम डिस्कस करते हैं कल हमने जो किया था एक्जियम, लीनियर पेयर एक्जियम्स। तो एक्जियम 6.1 और 6.2 लीनियर पेयर एक्जियम्स कहलाती हैं। क्या कहती है एक्जियम 6.1? इफ़ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, तो देखिए जैसे ये रे OC है, लाइन AB पे खड़ी है, तो जो दो एडजेसेंट एंगल्स बनेंगे यानी कि एंगल AOC और BOC, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो ये हमने क्लास 7 में भी पढ़ा है, तो कि इफ़ द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री दे आर कॉल्ड लीनियर पेयर एंगल्स। तो ये लीनियर पेयर एंगल्स ही है। ओके, तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्जियम 6.2 क्या है, इसकी जस्ट अपोजिट है। अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो जो जो अनकॉमन आर्म्स हैं, देखिए ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं AOC और BOC, तो कॉमन आर्म OC जो है कॉमन आर्म है, तो OA और OB अनकॉमन आर्म्स हैं, तो अनकॉमन आर्म्स एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। आप देख सकते हैं अगर ये 180 डिग्री होगा तो ये स्ट्रेट लाइन AOB होगा। ठीक है, तो ये हमने क्लास 7 में भी पढ़ा है, इसको यहाँ एक्जियम कह देते हैं। तो पहली चीज़ ये बताना चाहूँगा कि एक्जियम जो है ट्रुथ मानी जाती है। एक्जियम का इस्तेमाल हम थियोरम्स को सॉल्व करने में करते हैं। जैसे आप देखते हैं कैसे, अब आप देखिए थ्योरम 6.1 को देखिए, इस एक्जियम का इस्तेमाल इसमें कैसे करते हैं। ये क्या कहता है थ्योरम कि इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, जैसे कि AB और CD एक डिस्टिंक पॉइंट O पे कट रही है सपोज। ओके, इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्या प्रूव करना है, प्रूव ये करना है कि एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD एक, तो ये प्रूव करना है। ठीक है, यानी कि ये और ये अपोजिट वर्टेक्स पे अपोजिट, ये दोनों इक्वल हैं। दूसरा एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD प्रूव करना है। ओके, तो इसको करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, बार बार एंगल लिखने में कन्फ्यूजन होता है, तो हम क्या कर लें, इसको 1 कह देते हैं AOC को, BOD को एंगल BOC को एंगल 2 कह देते हैं, BOD को एंगल 3 कह देते हैं, और AOD को मान लीजिए हम एंगल 4 कह देते हैं। ओके, तो आप सीधा सा मतलब क्या है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 प्रूव करना है, इसी तरह से एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 प्रूव करना है। तो आप क्या करिए, सबसे पहले देखिए फिगर बनाना आवश्यक है, कि जो भी एक्सप्लेनेशन होगी आपकी ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में फिगर ही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, फिगर को आप कैसे समझ रहे हैं। अगर माना 1 और 3 के बीच में मैंने रिलेशन लाना है, तो सबसे पहले देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर ऑन लाइन AB। AB लाइन पे लीनियर पेयर हैं, देखिए 1 और 2 लीनियर पेयर बना रहे हैं ना, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, ऑल्सो एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है CD, इस पर दो एंगल है एडजेसेंट एंगल्स, तो ये दोनों क्या हैं, लीनियर पेयर हैं। फिर से लीनियर पेयर ऑन लाइन CD, ऑन लाइन CD। ओके, इसको मैंने मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 कहा, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहा। ओके, देखिए एक बार फिर से दोहराता हूँ, लाइन AB पर एंगल 1 और 2 लीनियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो लीनियर पेयर का सम लीनियर पेयर एक्जियम से 180 डिग्री हो गया। फिर लाइन CD पर 2 और 3 180 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहे हैं, इन दोनों का सम क्योंकि लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 में क्या चीज़ आपको एक जैसी दिखाई दे रही है, कि राइट हैंड साइड दोनों में क्या है, इक्वल है। अगर दो इक्वेशंस में राइट हैंड साइड इक्वल हैं, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगी। तो आप यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। तो आप देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 2, दोनों ही लीनियर पेयर है ना, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 2, एंगल 2 को मैं इस प्लस एंगल 2 को राइट हैंड साइड में ले गया हूँ, तो ये माइनस का एंगल 2 हो गया, तो
प्लस एंगल टू और माइनस एंगल टू कैंसिल हो गया तो क्या आया, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री, यानी कि एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। क्या आया, ए ओ सी इज इक्वल टू बी ओ डी आया। ओके, इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180, ठीक है। तो एंगल वन प्लस एंगल टू का सम 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर वन। एंगल थ्री प्लस एंगल टू इज इक्वल टू 180 डिग्री, फिर से लीनियर पेयर सी डी लाइन पे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू, राइट हैंड साइड्स आर इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड शुड ऑल्सो बी इक्वल। तो यहाँ से आ गया। इसी तरह से आप कहेंगे अगला, सिमिलरली टू और फोर के बीच में आपको रिलेशन निकालना है। तो आप क्या कहेंगे, एंगल वन प्लस एंगल फोर इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल टू प्लस एंगल वन इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर थ्री कह दीजिए, इक्वेशन नंबर फोर कह दीजिए, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे एंगल वन और फोर लीनियर पेयर बना रहे हैं, इसी तरह से एंगल वन और टू भी लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो फ्रॉम टू एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर थ्री एंड फोर आप क्या कह देंगे, एंगल वन प्लस एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल टू प्लस एंगल वन। तो एंगल वन दोनों साइड एडेड है तो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल टू। यानी कि आपको क्या चाहिए था, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी आ गया। इनके नाम हमने यही रखे थे, ठीक है। एंगल फोर हमने किसी को कहा था, ए ओ डी को कहा था, एंगल टू को हमने बी ओ सी कहा था। ओके, तो इस तरह से ये प्रूफ होता है। तो किससे हुआ बच्चों, ये लीनियर पेयर एक्सियम से हुआ। किससे हुआ, लीनियर पेयर्स एक्सियम से ही हुआ। ओके, तो इसको आप एक बार प्रैक्टिस करके दोबारा से खुद सॉल्व करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान इसका प्रूफ है, एग्जाम में भी पूछा जाता है बच्चों। ओके, अब हम आते हैं एक क्वेश्चन पे, ठीक है। सपोज हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि क्वेश्चंस किस तरह से होते हैं। तो टेक्स्ट बुक का ही एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 6.1 का क्वेश्चन नंबर वन ले लेते हैं बच्चों। फिगर को पहले समझते हैं। लाइन ए बी और सी डी ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये लाइन ए बी और ये लाइन सी डी ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। और क्या दिया है, एंगल बी ओ डी 40 डिग्री, मैंने यहाँ मार्क कर दिया 40 डिग्री, बी ओ डी 40 डिग्री दिया है। और ए ओ सी और बी ओ ई का सम, इस वाले एंगल का सम देखिए, ये दे रखा है 70 डिग्री। और आपको फाइंड करना है बी ओ ई और सी ओ ई रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। ये तो सी ओ ई हुआ, ये क्या हुआ, सी ओ ई। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, ये इधर का पूरा, ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक का रिफ्लेक्स एंगल होगा। तो सी ओ ई निकाल लेंगे अगर आप एंगल, तो उसका रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, 360 डिग्री माइनस एंगल सी ओ ई कर लेंगे। ओके, तो देखिए ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ओके, तो आप देखिए जब दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए ना। तो एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखिए आप ए बी है, ये सी डी है, तो ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, है ना, एक दूसरे के आमने सामने और दोनों लाइन को टच करता हुआ। ये ए, ये सी डी हो गया मान लीजिए, ये ए बी हो गया। तो ए बी और सी डी, ए बी और सी डी को दोनों को ही टच करते कर रही हैं। देखो ये एंगल एंगल अपोजिट वर्टेक्स में है। तो ए ओ सी अगर अगर बी ओ डी 40 है तो ए ओ सी भी आपका 40 डिग्री हो गया, कहने का मतलब। ओके, अब आप क्या देखिए, गिवन एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई 70 डिग्री दे रखा है बच्चों। देखो क्वेश्चन में दिया है ए ओ सी प्लस बी ओ ई, ये वाला और ये वाला एंगल, ए ओ सी और बी ओ ई का सम 70 है। अब ए ओ सी हमने फाइंड कर लिया वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70। तो एंगल बी ओ ई यहाँ से बड़े आराम से आ गया हमारे पास 30 डिग्री। ओके ना, तो ये क्या आ गया हमारे पास, 30 डिग्री आ गया बच्चों। ओके, तो अब आप क्या एंगल सी ओ ई निकाल सकते हैं, एंगल सी ओ ई निकाल सकते हैं। देखिए लाइन ए बी पर ये यहाँ से यहाँ तक ये 180 डिग्री हुआ है ना, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ लाइन। ओके, तो सम ऑफ एंगल्स ऑन लाइन ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या कहने का मतलब है,
एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, ये 180 डिग्री होगा। ए ओ सी आपका कितना है 40 है, सी ओ ई मिल जाएगा आपको यहाँ पर से बी ओ ई 30 है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी ओ ई यहाँ से क्या आ गया 110 डिग्री आ गया। देखिए 180 माइनस 70 110 डिग्री। ओके तो आप रिफ्लेक्स एंगल निकाल सकते हैं। फिर रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई का मतलब हुआ 360 डिग्री माइनस एंगल सी ओ ई। देखिए क्या कहने का मतलब है, देखिए आप ये सी है, ये ओ है, ये ई है, ये सी ओ ई है, तो ये वाला जो एंगल है ये रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक वाला रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। ठीक है, अगर ये एंगल मिल गया हमें तो 360 में से इसको घटा दीजिए तो ये इसका रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से करना है बच्चों। ओके